नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की। 11.5% की रैली आ चुकी है अब तक, और इंडियन ओवरसीज बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने की लिस्ट में डाल दिया गया है। फाइनली अनाउंसमेंट यहां पर आने वाली है। 11 बजे प्रधानमंत्री साहब की उच्च स्तरीय मीटिंग है, और यहाँ पर 26 बिल्स के साथ एक बिल रखा जाएगा बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन का भी, जिनमें दो बैंक को सिलेक्ट किया गया है, उनमें से एक है इंडियन ओवरसीज बैंक। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या आपको इंडियन ओवरसीज बैंक में खरीदारी करनी है। न्यूज की भी बात करेंगे, खबर क्या है हमारे सामने, और अगर आप यहाँ पे खरीदारी करते हैं आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन तो कितना मुनाफा आप घर लेकर के जाएंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, और बाजार की गिरावट में क्या यहाँ पर तेजी आएगी, यानी सब कुछ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें चार्ट की, देखिए वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट आपका काफी ठीक ठाक है। एक अच्छा सपोर्ट मिला है स्टॉक को, और सपोर्ट से बाउंस बैक दिखाया है। पहले अगर टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट इज अराउंड 25.75 का आपका पहला टारगेट होने वाला है। एंड खबर की भी बात करेंगे यहाँ पे, बट आप देखिए कि चार्ट में सपोर्ट आपके सामने 19 रुपए के आसपास का है, तो अगर आप खरीदारी करते हो तो 19 रुपए के आसपास तक का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। इससे नीचे अगर स्टॉक जाता है तो वहां पे आपको सौदा काटना पड़ेगा। हालांकि बाजार ठीक ठाक चल रहा है और यहाँ पे खबर काफी अच्छी है, तो ये आपका हिट नहीं होने वाला है। फर्स्ट टारगेट की बात करें, 25.75 रुपए का आपका पहला टारगेट रहने वाला है, और यहाँ पर भी बेचने की सलाह मेरी नहीं रहेगी। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो अपना सौदा बुक कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अदरवाइज होल्ड करो, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के बाद अक्सर स्टॉक्स डबल हो जाते हैं और वही डबल का आपको प्रॉफिट लेना है। यहाँ पे आरएसआई की बात करें, 56 का आरएसआई यानी कि स्ट्रॉन्ग आरएसआई बुल पैटर्न आपका बना है, और अगर आप मैग्डी की बात करो बेयरिश टू न्यूट्रल पैटर्न यहाँ पर है, क्योंकि मार्केट में पिछले दिनों काफी गिरावट हुई थी। अब देखेंगे तो 18,600 से मार्केट ने 17,500 का सपोर्ट जरूर बनाया है, बट अभी भी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 17,000 के आसपास का, 17,000-17,200 के आसपास का। तो यहाँ पे अगर मार्केट 17,500 के ऊपर सस्टेन करता है कुछ दिनों तक, तो यहाँ से 17,700 और 17,800 के आसपास का एक बुलिश पैटर्न बनेगा। अदरवाइज अभी मार्केट के ऊपर वही न्यूट्रल पैटर्न लिंगर कर रहा है, तो होल्ड करने की मेरी सलाह आपको रहेगी। बात करें खबर की, देखिए खबर हमारे सामने, अकॉर्डिंग टू पीटीआई रिपोर्ट अ हाई लेवल रिसेंटली हेल्ड अ मीटिंग टू थ्रैश आउट वेरियस रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज सो दैट द प्रपोजल कुड बी प्लेस्ड विद अ ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑन दिस इन्वेस्टमेंट और अल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर अप्रूवल। सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक आर सीन एज प्रोबेबल कैंडिडेट फॉर प्राइवेटाइजेशन। इन दोनों ही बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा, 11 बजे तक अनाउंसमेंट आने की उम्मीद आप कर सकते हैं यहाँ पे। अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में काफी अच्छी रैली की संभावना भी है, और आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि कंफर्म ही है दोनों ही स्टॉक्स को प्राइवेटाइज करना है, तो यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट की देरी नहीं होनी चाहिए। खरीदारी बिल्कुल करके चलो, यहाँ पे अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटल्स भी अगर आप कंपनी के देखते हो तो आरबीआई ने इसे पीसीएल से बाहर निकाला था। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में काफी अच्छा नेट प्रॉफिट दिया है आपको, रेवेन्यू के तौर पर भी कंपनी काफी अच्छा करी। और अगर आप मार्जिन की बात करें तो 2% से मार्जिन बढ़ करके 7% का मार्जिन यहाँ पर आ गया है। एनपीए की बात करते हो तो नेट एनपीए आपको 2.77% का है, जो कि काफी मैनेजेबल है। तो ओवरऑल फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग है, चार्ट पैटर्न काफी अच्छा, खबर बहुत अच्छी है। प्राइवेटाइजेशन के बाद कंपनी में ऑलमोस्ट आप 20-40 के आसपास रुपए, 40 रुपीज के आसपास का टारगेट सेट कर सकते हो। खरीदारी करने की सलाह मेरी आपको यहाँ पर रहेगी, होल्ड कीजिए, 19 रुपए का सपोर्ट है। लास्ट कॉल ऑल बी यर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो ही खत्म करते हैं, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए भी न मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।